वेरी गुड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और ये आपका जो 12th की आपकी NCERT है, स्वतंत्र भारत में राजनीति का पहला चैप्टर है। और इस चैप्टर में जो है ये राष्ट्र निर्माण की जो चुनौतियां हैं उससे रिलेटेड है। और इस पूरे चैप्टर को मैं इस वीडियो में ख़त्म करूंगी और आप इसको बहुत ही ध्यान से लीजिएगा और आपको इजीली सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। ये पॉलिटिक्स का चैप्टर है, पहला स्वतंत्र भारत की राजनीति का पहला चैप्टर है, ठीक है। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, राष्ट्र निर्माण की क्या क्या चुनौतियाँ, तो पहला राष्ट्र क्या है, राष्ट्र की क्या चीज़ होती है, तो फिर आप उसके निर्माण की चुनौतियों के बारे में समझेंगे। तो जो हमारा देश है, जो भारत है, तो जब हमारा भारत जो है आज़ाद हुआ, तो आज़ाद तो हुआ, लेकिन आज़ादी के समय क्या हमारा भारत जो पहले था वही था? नहीं, हमारा भारत जो आज़ाद हुआ तो आज़ादी के तुरंत ही बाद, मतलब रात में देखिए, मध्य रात्रि को हिंदुस्तान जो आज़ाद हुआ तो उसकी घोषणा हुई। जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे, आपको ऑब्जेक्टिव कि आपके प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। और उनका जो उन्होंने भाषण दिया था, इसमें जो संबोधित किया था, उसे किस नाम से जाना जाता है, ट्रस्टी विद डेस्टिनी, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव है। तो उन्होंने मध्य रात्रि को जैसे इसकी घोषणा की, तो उन्होंने जो हमारा भारत है वो दो भागों में बट गया। एक तो था एक आपका, और ये विभाजन जो था वो धर्म के आधार पे किया गया था, ठीक है। तो इस विभाजन के परिणाम स्वरूप हमारे देश में बहुत सारी चुनौतियों का जन्म हुआ। पहले से ही बहुत सारी चुनौतियाँ थी। कैसी चुनौतियाँ थी कि जो राष्ट्र का तो हम निर्माण करना चाहते थे, जब हम अंग्रेज़ों से आज़ाद हुए तो हम दो बातों पे हमारे देश की जनसंख्या जो थी वो राष्ट्र के निर्माण के लिए सहमति थी। किन दो बातों पे सहमत थी? पहली उसकी एक बात थी कि हम ऐसे देश बनाएंगे जिसमें कैसी सरकार हो, लोकतांत्रिक सरकार हो, ठीक है। और दूसरा वो जनता क्या चाहती थी कि हम ऐसी सरकार बनाएंगे जो सबके भले के लिए काम करेगी। तो ये दोनों मोटिव, ये दोनों जो विजन थे, इनके साथ जो है हम देश को आज़ाद, इस भावना के साथ ही हमने देश को आज़ाद किया। लेकिन आज़ादी के तुरंत, जैसे ही हमने आज़ाद हुए और जैसे ही हमने घोषणा की अपने आज़ादी की, तो उसके तुरंत साथ ही हमारे पास एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे देश का विभाजन बनकर खड़ी हो गई, ठीक है। जैसे आपका एक परिवार है, परिवार बहुत अच्छे से फल फूल रहा है, सभी लोग बहुत अच्छे, अभी कि दो भाई हैं आपस में बहुत ही भाईचारे के साथ रहते हैं। लेकिन मान लीजिए कि किसी कारणवश आपके घर में विभाजन हो जाए, तो जो भाई अभी बहुत भाईचारे के साथ रहते, एक दूसरे से प्यार के साथ रहते, वही अब एक दूसरे के क्या हो जाए, दुश्मन बन जाए, मतलब एक दूसरे के अहित के लिए कार्य करने लगे, एक दूसरे का हित के लिए ना सोचे, तो ये होता है विभाजन। तो वही कहानी हमारे देश, हमारा राष्ट्र, जहाँ हिंदू और मुस्लिम जो दो धर्म थे, ये दोनों धर्म एक दूसरे के साथ भाईचारे के रूप में रहते थे, एक दूसरे के पड़ोसी थे, हर कार्य में उन्होंने एक दूसरे का साथ दिया था। अब विभाजन के पश्चात जैसे ही ये घोषणा हुई कि पाकिस्तान और भारत बनेंगे, और मतलब दो धर्म के साथ जो है ये ब्रिटिश भारत का विभाजन हो जाएगा, जो हमारा ब्रिटिश भारत था, जो ब्रिटिश ने जिसको गुलाम किया था, दो भागों में बट जाएगा धर्म के आधार पर। तो वो अब जो आपस में जो इतना भाईचारे की भावना थी, वो भावना क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। तो ये बहुत बड़ी चुनौती थी, जो बंटवारा, जो हमारे देश के आज़ादी के साथ ही जो बंटवारे की बात आई, तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में खड़ी हो गई। तो ये जो चुनौती थी, ये तीन चुनौतियों को लेके आ गई। पहली चुनौती क्या, जो तात्कालिक चुनौती हो गई थी विभाजन के साथ ही जो आई, वो क्या थी कि अब हम जो एकता के सूत्र में बंधे एक ऐसे भारत को गढ़ना जो जिसमें समाज की सभी विविधताएं हो, मतलब कि हम अब आज़ाद तो हो गए हैं, ठीक है, विभाजन भी हुआ, तो अब हमको एक ऐसे भारत को, सबसे बड़ी चुनौती आपके क्वेश्चन भी है नीचे, आपका क्वेश्चन भी कि चुनौतियां क्या हैं। तो पहली चुनौती ये थी कि हमें एक ऐसे भारतीय समाज का निर्माण करना है जहाँ विविधताएं के साथ भी एकता हो, मतलब अनेकता में एकता का सूत्र हो, अनेक
विविधता मतलब कि बहुत सी विविधता है। हमारे देश में बहुत सारा कल्चर है, कई धर्मों के लोग रहते हैं, कई संस्कृतियों के लोग रहते हैं, कई भाषाएं बोली जाती, भाषाओं के आधार बोलियों के आधार पे क्षेत्र बटे हुए हैं, और हर लोगों की जो कल्चर है संस्कृति के आधार पर लोगों में विविधताएं हैं। तो उस इन विविधताओं के साथ हम पूरे देश को किस तरह एक बना के रखेंगे, तो ये कैसे संभव होगा, ये पहली चुनौती और ये तात्कालिक चुनौती थी, मतलब सबसे प्रारंभिक ये चुनौती थी। दूसरी चुनौती क्या थी कि दूसरी चुनौती ये थी, और इस ये जो पहली चुनौती थी इसने कई सवाल भी खड़े कर दिए कि ठीक है इन विविधताओं के साथ हम भारत को एक तो करेंगे, लेकिन क्या इस एकता के सूत्र में बांधने के लिए क्या ये जो एकता का सूत्र है, तो क्या हमारा भारत जो है हमेशा इस एकता के सूत्र में बना रह पाएगा इतनी विविधताओं के साथ, ये पहला सवाल खड़ा कर दिया। दूसरा सवाल इसने क्या दिया कि ये जो एकता है, अगर ये जो राष्ट्रीय एकता है जिस पर हम इतना जोर दे रहे हैं, तो इस राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए जो हमारे और उद्देश्य हैं क्या हम उनको छोड़ देंगे, केवल हम राष्ट्रीय एकता पे ही फोकस करेंगे। और तीसरा सवाल ये था कि जो हमारी क्षेत्रीय और उपक्षेत्रीय पहचान है, क्षेत्रीय उपक्षेत्रीय पहचान का मतलब कि जैसे आप जिस एरिया में आप रहते हैं तो आप उस एरिया को ज़्यादा महत्व देते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि यदि आप मध्य प्रदेश के हैं, ठीक, और आप किसी दूसरे राज्य में जाते हैं, यदि वहाँ आपका कोई मध्य प्रदेश का ही कोई आपको पड़ोसी या साथी मिल जाता है, तो आप उसके साथ बहुत ईजली व्यवहार बना लेते हैं, आप उसके साथ बहुत ईजली उससे संबंध बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके राज्य का, आपकी भाषाएं उससे मिलती हैं, आपके विचार उससे मिलते हैं, आप दोनों एक ही राज्य के हैं तो आप लोगों की संस्कृतियां भी एक ही होंगी, कल्चर्स भी एक होंगे, तो आप उसको आप क्या देते हैं, महत्व देते हैं। यदि मान लीजिए वही उस दूसरे राज्य का व्यक्ति होगा तो आप उसे उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते। तो ये होती है क्षेत्रीय और उपक्षेत्रीय पहचान। तो हम अपने क्षेत्र को क्या है थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ सवाल हुआ कि क्या हम इस एकता भारत को हम एकता के सूत्र में बांधने जा रहे, पूरे भारत को हम एक करना चाहते हैं, तो क्या हम उसमें ये जो क्षेत्रीय और उपक्षेत्रीय जो पहचान होगी, जो क्षेत्रीय उपक्षेत्रीय पहचान, अलग अलग संस्कृतियाँ होंगी, जैसे गुजरात में गुजराती, उसकी अपनी संस्कृति है, उसका अपना डांस है, उसका अपना कल्चर है, ठीक है। आप मध्य प्रदेश के हैं तो आपका अपना डांस, अपना कल्चर, अपनी हर चीज़ अलग अलग है, तो ये जो आपका अलग अलग कल्चर है, तो क्या हम इसको जो है हम इसे भी साथ लेके चलेंगे या फिर हम इसे खारिज कर देंगे, हम इसे साथ लेके नहीं चलेंगे, केवल हम एक चीज़ लेके चलेंगे कि हमें पूरे देश को एक करना। तो ये जो तीन क्वेश्चन थे, तीन सवाल थे, वो सबसे बड़े बनकर आए कि यदि हमको देश को एक करना है, इतनी विविधताओं के साथ भी हमें एकता बनाए के रखनी है, तो इन तीनों सवालों के जवाब जो है, कुछ सवाल हमारे सभी जो राजनीतिज्ञ थे उनके दिमाग में बहुत ही कुतूहल पैदा करने लगे। दूसरी चुनौती सबसे बड़ी क्या थी, लोकतंत्र को कायम करने की। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझिए, लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों का तंत्र, मतलब लोगों का सिस्टम, मतलब हमारे द्वारा बनाया गया सिस्टम, जहाँ की हमारे द्वारा चुना गया प्रतिनिधियों, ठीक है, जैसे कि अभी वर्तमान में है, ठीक है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, संसदीय व्यवस्था को हमने अपनाया है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो प्रतिनिधि है, जो देश का नेता है, उसे हम चुनते हैं, ठीक है, वो अपने से नहीं आ जाता, उसे हम वोट दे के चुनते हैं, तब वो देश का प्रतिनिधि, जैसे आपके क्षेत्र में आपके क्षेत्र का चुनाव होता है, आपके राज्य का चुनाव होता है, तो आप जो है वोट डालने जाते हैं, ठीक है, तो आप अपने, क्योंकि हर व्यक्ति तो नहीं बन सकता है ना प्रतिनिधि, तो आप चुन के अपने क्षेत्र का एक प्रतिनिधि बनाते हैं जो आपके निर्णयों को, आपके विचारों को आप क्या करता है आगे लेके जाता है, तो आप चुनते हैं ना, तो यही होता है लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब कि हमारे द्वारा चुना गया व्यक्ति जो देश का शासन चलाए, जैसे कि अमेरिका में लोकतंत्र नहीं होता, ठीक है, वहाँ अध्यक्षीय शासन है, ठीक है, तो वहाँ जनता के द्वारा नहीं चुना जाता कि जनता चुनने आती है, पर हमारे यहाँ क्या है, लोकतंत्र, लोकतांत्रिक व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था है, जहाँ हम चुनते हैं, जो हमारे देश का प्रधानमंत्री उसे हम चुनते हैं, ठीक है, हमारे द्वारा चुना जाता है, ठीक है, तो ये लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कहलाती है।
कि लोकतंत्र, लोगों के द्वारा चुना गया शासन, ठीक। तो ये दूसरी चुनौती थी कि क्या हम इस लोकतंत्र को कायम रख पाएंगे, क्या हम आज़ाद तो हो गए तो क्या हम इस व्यवस्था को आगे भी कायम रख पाएंगे, जो जनता के द्वारा चुना गया शासन आगे भी, क्योंकि हमें संविधान ने मौलिक अधिकार दिए। मौलिक अधिकार मतलब होते हैं वे अधिकार जो हमारे विकास के लिए, जो व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होते हैं, जो हमें जन्मसिद्ध प्राप्त होते हैं, और इनका संरक्षण कौन करता है, इनका संरक्षक हमारा सर्वोच्च न्यायालय होता है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक होता है। तो ये जो मौलिक अधिकार में हमें नागरिक को मतदान देने का अधिकार भी प्राप्त है, और ये मतदान का अधिकार ही लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाता है, ठीक है। तो ये जो हम व्यवस्था है, तो क्या हम इसे आगे ले जा पाएंगे, तो ये सबसे बड़ा सवाल हो गया, ठीक। तो ये दूसरी चुनौती हो गई। और तीसरी चुनौती ये हो गई कि जिस समाज को हम विकास करना चाहते हैं, हम ऐसे समाज का विकास करना चाहते हैं जिससे कि पूरे समाज का भला हो, हमको ऐसा विकास करना है, तो क्या हम ऐसा विकास कर पाएंगे, क्योंकि हमारे देश में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, ठीक है। कोई बहुसंख्यक है, कोई अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का मतलब ये होता है, जैसे कि आप अपने घर में मान लीजिए, आपके घर में मान लीजिए बच्चे बहुत सारे, ठीक है, बहुत बच्चे हैं, तो मतलब और जो जेंट्स हैं बड़े हैं वो कम है। मान लीजिए कि दो भाई हैं और उनके 10 बच्चे हैं, ठीक है, तो बच्चों की संख्या ज़्यादा है, मतलब बच्चे जो हैं बहुसंख्यक में हैं, और जो आपके वो जो दो भाई हैं जिनके 10 बच्चे, वो दो भाई क्या हैं, अल्पसंख्यक है। मैंने आपको सिंपल समझाने की कोशिश की कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक क्या होता है, ठीक है, जिसकी संख्या ज़्यादा हो उस क्षेत्र में, ठीक। उसी तरीके से मान लीजिए आप जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, जैसे आप गुजरात में रह रहे हैं, तो गुजरात है तो वहाँ जो गुजराती हैं तो वो बहुसंख्यक हो, मतलब उनकी संख्या ज़्यादा हो, और उनके उनमें अदर जो धर्म के लोग हैं उनकी संख्या वहाँ कम हो, तो जिस धर्म की संख्या वहाँ कम होगी वो अल्पसंख्यक कहला जाएंगे, ठीक है, और जिस धर्म की संख्या उस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा होगी वो बहुसंख्यक कहला जाएंगे। तो यही चीज़ थी कि जो हमारे देश में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, तो जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ठीक है, तो ये सिख, ईसाई, ये सब जो है अल्पसंख्यक है, क्योंकि इनकी संख्या हिंदुओं के तुलना में बहुत कम है। तो क्या ये अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे, क्या हम ऐसा समाज विकसित कर पाएंगे जहाँ सभी धर्म एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें, ठीक है, एक दूसरे के विचारों का सम्मान करें, तो क्या ये जो अल्पसंख्यक है, तो क्या अपने आप को ये सुरक्षित महसूस करेंगे। तो ये तीसरी चुनौती थी हमारे राष्ट्र के निर्माण की, कि हमें ऐसे राष्ट्र के निर्माण का क्या हम कर पाएंगे। तो ये मेन चुनौती, और ये आपका क्वेश्चन भी है लास्ट में कि मैं चुनौती क्या थी, तो आप इसको अब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते, मैंने आपको समझा दिया, और आप इसको अपनी भाषा में लिख सकते। मेन वो जो चुनौतियाँ आप वो मत छोड़िएगा, और उसका एक्सप्लेनेशन आप अपने से कर सकते हैं, ठीक। अब देखिए विभाजन, अभी जो हमारा विभाजन हुआ, ठीक है, विस्थापन और पुनर्वास, मतलब विस्थापन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना, पुनर्वास मतलब पुनः उनका आवास बनाना, ठीक है, पुनर्वास होना। जैसे आप मध्य प्रदेश में रहते तो आप गुजरात गए तो आप विस्थापित हुए, और गुजरात में जाके आपने पुनः अपना घर बनाया तो आप पुनर्वास किए, ठीक है, पुनः आप वहाँ रहना शुरू किए, ठीक। दूसरी बार वहाँ गए ना, वहाँ अपना घर बनाते, पुनर्वास मतलब पुनर्वासित हुए आप, ठीक, तो ये पुनर्वास कहलाता है। तो जब हमारा विभाजन हुआ, तो विभाजन के साथ ही जो हमारा ब्रिटिश इंडिया था, तो जहाँ मतलब ब्रिटिश ने पूरे भारत पे जो गुलाम बनाया हुआ था, तो जो ब्रिटिश भारत था, जहाँ जहाँ ब्रिटिश का अधिकार था, ब्रिटिश भारत दो भागों में, जो भारत था वो पहले से दो उसमें बटा नहीं था, मतलब दो तरीके के राज्य थे। पहला जो ब्रिटिश भारत था, जहाँ की ब्रिटिश का अधिकार था, ब्रिटिश लोग जो जिन जिन इलाकों को उन्होंने जीत लिया था, तो वहाँ वो ब्रिटिश लोग अपनी हुकूमत करते थे, और कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहाँ रजवाड़े, जो राजा महाराजा थे, उनका शासन चलता था, उन पे अधिकार भी ब्रिटिश करते थे, मतलब ब्रिटिश के अनुसार ही वो अधिकार शासन चलाते थे, उनके अधीन थे, लेकिन वहाँ राजाओं का शासन था। तो कुछ रजवाड़े क्षेत्र थे, कुछ ब्रिटिश भारत के थे, ठीक। जब ये विभाजन हुआ, तो जो ब्रिटिश इंडिया था वो दो भागों में बटा, भारत और पाकिस्तान, ठीक है, दो राष्ट्र की भावना आई। अब ये देखिए द्विराष्ट्र सिद्धांत ये किसने दिया, ये आपका क्वेश्चन
सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कई बार आ चुका है और आपके ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि द्विराष्ट्र का सिद्धांत, ये किसके द्वारा बात कही गई थी? तो मुस्लिम लीग के द्वारा ये बात कही गई थी, द्विराष्ट्र के सिद्धांत की, मतलब दो राष्ट्रों का निर्माण किया जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या द्विराष्ट्र के सिद्धांत को क्या कांग्रेस ने सहमति प्रदान की थी? तो नहीं, कांग्रेस ने द्विराष्ट्र के सिद्धांत की सहमति प्रदान स्टार्टिंग में, शुरुआत में नहीं की थी, लेकिन बाद में जब ये विभाजन से बहुत ही प्रभाव पड़ने लगा तो बाद में वो उसने द्विराष्ट्र के सिद्धांत को सहमति प्रदान की थी, लेकिन पहले जो कांग्रेस है उसने द्विराष्ट्र के सिद्धांत को सहमति प्रदान नहीं की। तो ये क्वेश्चन कई बार घुमा फिरा के आ चुका कि क्या कांग्रेस ने पहली बार में उसे सहमति दे दी थी कि नहीं दी थी, क्या कैसा, तो ऐसे क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। ठीक है, तो द्विराष्ट्र के सिद्धांत की मांग सबसे पहले मुस्लिम लीग ने की थी और इसको कांग्रेस ने पहली बार सहमति नहीं दी थी, इसको कांग्रेस ने द्विराष्ट्र के सिद्धांत को बाद में सहमति दी थी। ठीक, तो द्विराष्ट्र का सिद्धांत मतलब राष्ट्र को दो राष्ट्रों में बांट देना, किसी भी जो क्षेत्र है उसको दो राष्ट्र में विभाजित कर देना और कौम के आधार पर, धर्म के आधार पर दो भागों में बांट देना। ठीक है, तो भारत और पाकिस्तान के रूप में भारत को विभाजन की मांग को माना गया। ठीक, और इस विभाजन की प्रक्रिया के लिए क्या आधार बनाया गया था? धार्मिक बहुसंख्यक को आधार बनाया गया था, मतलब कि जिस क्षेत्र में जिस धर्म की जैसे दो दो धर्मों को ही आधार, एक हिंदू और एक मुसलमान। ठीक, और धर्म तो अल्पसंख्यक थे, बहुत ज़्यादा अल्पसंख्यक थे, तो ये बोला गया था कि जिस क्षेत्र में धार्मिक बहुसंख्यक, मतलब कि जिस क्षेत्र में उस धर्म, जैसे हिंदू है तो हिंदू जिस क्षेत्र में बहुसंख्यक में होंगे वो हिंदू राष्ट्र होगा, और जिस क्षेत्र में मुसलमान बहुसंख्यक होंगे वो मुसलमान वाला राष्ट्र होगा। ठीक है, ऐसा विभाजन का आधार बनाया गया था। लेकिन जो हमारा ब्रिटिश इंडिया था, तो मतलब था, तो उसमें ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं था जहाँ की जो मुसलमान है, जो मुस्लिम धर्म है, वो बहुसंख्यक में हो। ठीक है, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा संख्यक में हिंदू की तुलना में, वो संख्या में ज़्यादा थे लेकिन बहुसंख्यक नहीं थे। ठीक है, संख्या में ज़्यादा होना बहुसंख्यक होना में अंतर है। ठीक, तो ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं था कि जहाँ मुस्लिम धर्म जो हो, मुसलमान हो, वो बहुसंख्यक में हो। तो फिर एक और समस्या आ गई कि अब इसका विभाजन कैसे किया जाए। तो फिर ये बोला गया कि जहाँ मुसलमानों की आबादी जिन इलाकों में ज़्यादा होगी वो मुस्लिम राष्ट्र बनाए जाएंगे। तो ऐसे दो इलाके थे जहाँ मुसलमानों की आबादी ज़्यादा थी, एक तो आपका पश्चिम में था जो पाकिस्तान बना, और एक आपका पूर्व में था जो बांग्लादेश, जो बांग्लादेश है। ठीक है, तो बोला गया कि बांग्लादेश और पाकिस्तान ये दोनों क्या होंगे, मुस्लिम राष्ट्र होंगे, और जो बीच का राष्ट्र होगा वो हिंदू राष्ट्र होगा। ठीक, लेकिन अब एक और बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि जो हिंदू राष्ट्र हो गया वो क्या हो गया, दो पाकिस्तानी राष्ट्रों के बीच में स्थापित हो गया, तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या हो गई। अब तीसरी के बाद क्या हो गया कि जो मुस्लिम बहुल इलाका थे, अब उसमें भी जो मुस्लिम बहुल इलाका, मतलब जहां मुसलमानों की बहुत संख्या वाले इलाके, जिनको कि डिसाइड किया गया कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से जहां मुसलमानों की संख्या बहुत ज़्यादा है, उन इलाकों में भी कुछ ऐसे समुदाय थे, मुस्लिम समुदाय ऐसे थे जो कि वो अलग नहीं होना चाहते थे, जो भारत से ही मिले रहना चाहते थे। उनमें से एक थे आपके सीमांत गांधी, जिन्हें बोला जाता है, ये भी आपका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि किन्हें सीमांत गांधी की प्रसिद्धि मिली हुई थी, उपाधि मिली हुई थी, तो खान अब्दुल गफ्फार खान थे जिन्हें की सीमांत गांधी की उपाधि दी गई थी। और ये जो निर्विवाद नेता थे, और ये पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत, मतलब कि पाकिस्तान वाला जो प्रांत था वहाँ के नेता थे, और ये जो है द्विराष्ट्र के सिद्धांत के खिलाफ थे। क्या ये सहमत थे? तो नहीं, ये द्विराष्ट्र सिद्धांत के खिलाफ थे और ये पाकिस्तान में शामिल नहीं होना चाहते थे, मुस्लिम होकर भी भारत में शामिल रहना चाहते थे, और ये चाहते थे कि भारत का विभाजन ना हो। ठीक, तो कुछ ये एक समस्या थी कि जो मुस्लिम इलाके हैं उनमें भी जो लोग मुस्लिम हैं वो लोग भी पाकिस्तान में शामिल, पाकिस्तान और भारत का विभाजन नहीं चाहते थे, जैसे कि आपके खान अब्दुल गफ्फार खान हो गए। ठीक है, ये एक पूरी उसके एक कौम के नेता थे ये। तो ये हो गया। फिर ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम जो बहुल प्रांत थे
उसमें जो था वो पंजाब और बंगाल, ये दो हिस्से ऐसे थे जहाँ की गैर मुस्लिम आबादी रहती थी। ये तीसरी समस्या हो गई कि हमने मुस्लिम बहुल प्रांत और हिंदू बहुल प्रांत में बांट तो दिया कि जहाँ मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है मुस्लिम प्रांत, जहाँ हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है हिंदू वाले प्रांत हो गए। लेकिन अब उसमें भी समस्या ये थी कि जो मुस्लिमों के प्रांत थे, बहुल वाले प्रांत थे जहाँ मुस्लिम लोग ज़्यादा थे, जैसे कि पाकिस्तान, वहाँ पंजाब और बंगाल ऐसे दो क्षेत्र थे जहाँ की मुस्लिमों की आबादी क्या थी, वो अब कम थी। मुस्लिमों की आबादी तो थी लेकिन आप हिस्से में बहुसंख्यक गैर मुस्लिम ज़्यादा थे, ठीक है। मतलब जो मुस्लिम नहीं थे वो लोग वहाँ ज़्यादा थे, जैसे कि पंजाबी हो गए आपके, ठीक है, हिंदू नेता हिंदू वहाँ थे। तो अब ये समस्या हो गई कि अब उन लोगों को कैसे हम, मतलब उन लोगों को किस देश में डाला जाए, किस हिस्से में रखा जाए, क्योंकि वो गैर मुस्लिम है, वो मुस्लिम नहीं है लेकिन उनकी आबादी उस मुस्लिम प्रांत में ज़्यादा है, तो उन्हें उनको किसकी नागरिकता मिलेगी, वो किसके नागरिक कहलाएंगे। तो ये बहुत बड़ी समस्या हो गई, ठीक है। फिर चौथी समस्या विभाजन की एक बहुत बड़ी ये आई कि जो अल्पसंख्यक थे, जो कि उन इलाकों में रह रहे थे, जैसे कि हिंदू हो गए, सिख की आबादी हो गई, जो पंजाब और बंगाल इन सभी इलाकों में रह रहे थे, तो वो ये जो अल्पसंख्यक थे, तो अब ये जो जिस ज़मीन में पहले रह रहे थे, जो अपने आप को उस देश का नागरिक मानते थे, तो अब ये किसके नागरिक कहलाएंगे, अब ये कहाँ जाएंगे। तो इनको ये एक बहुत बड़ी समस्या हो गई, और ये चारों समस्याओं ने विभाजन को एक बहुत ही विभत्स रूप प्रदान कर दिया, बहुत ही बेकार रूप प्रदान कर दिया। हिंसा बहुत होने लगी, जो पहले एक दूसरे के पड़ोसी थे, एक दूसरे के साथ भाईचारे की भावना में रहते थे, वो अब एक दूसरे के विरोधी हो गए, शत्रु हो गए, एक दूसरे को मारने लगे। जो जिसकी आज ज़मीन थी, जिसके पूर्वज उस स्थान में रह रहे थे, अब वो अपनी ज़मीन उनको अब अपनी ज़मीन को छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ रहा था। किसी को ये नहीं पता था कि वो किसके नागरिक होंगे, वो पाकिस्तान के नागरिक होंगे कि हिंदू के नागरिक होंगे। अब मतलब लोगों के बीच इतने ज़्यादा संशय हो गए, उनके बीच आपस में ही इतने ज़्यादा वो उलझ गए कि इतनी मार काट, हिंसा और इन सभी ये सभी बातों ने विभाजन को एक बहुत ही विभत्स रूप प्रदान कर दिया, ठीक। और हज़ारों की तादाद में जो औरतें थी, बच्चे थे, उनकी हत्या की गई, उनकी उनके स्वाभिमान की रक्षा के लिए उनके अपनों ने ही उनकी हत्या कर दी, और कुछ को जो और औरतें थे वो एक दूसरे के धर्म को उन्हें ज़बरदस्ती अपनाना पड़ा, विवाह करना पड़ा। ऐसी बहुत सी बातें हुई इस विभाजन की फलस्वरूप, जिससे कि हमारे पूरा देश जो कि एक एकता के सूत्र में बंधा हुआ था, तो वो सारी चिंताएं, बहुत ही गहरी चिंताएं उभर कर सामने आने लगी कि क्या हम हमारे अपने देश को एक एकता के सूत्र में अब बांधे रख सकेंगे। तो ये हमारी विभाजन का एक बहुत ही विभत्स रूप था। अब सबसे जब विभाजन सब कुछ हो गया, सारी चीज़ें जब शांत हो गई, अब देश को संगठित करने का, तो सबसे बड़ा हमारा जो अब समस्या खड़ी हो गई वो हो गई रजवाड़ों का विलय। क्योंकि जो ब्रिटिश भारत था, ठीक है, जो ब्रिटिश इंडिया था, ब्रिटिश इंडिया के दो हिस्से थे। एक हिस्सा था जहाँ की ब्रिटिश का प्रभुत्व था, जहाँ की ब्रिटिश लोगों ने जिस इलाके को जीत लिया था, तो वो एक ब्रिटिश प्रभुत्व इलाका हो गया। दूसरा इलाका वो होता कि जहाँ रजवाड़ों का शासन चलता था, ब्रिटिश का अंदर तो ब्रिटिश का ही शासन चलता था, लेकिन वहाँ शासक कौन होते थे, रजवाड़े होते थे, ठीक है, राजा होते थे। तो ये जो रजवाड़े थे, तो अब यहाँ पास ये समस्या हो गई, क्योंकि विभाजन में ये बोला गया, जब विभाजन किया गया तो वहाँ ये बोला गया कि ये जो रजवाड़े हैं, तो ये इनको स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी, या तो ये स्वतंत्र भी रह सकते हैं, या अपनी इच्छा अनुसार या तो ये पाकिस्तान से मिलना चाहें तो वहाँ चले जाएं, या हिंदुस्तान से मिलना चाहें तो वहाँ चले जाएं। तो ये बहुत बड़ी समस्या हो गई कि जो हम एक सपना लेके चल रहे थे कि हमें अपने पूरे भारत को एक एकता के सूत्र में बांध के रखना है, तो क्या अब हम अपने भारत को एकता के सूत्र में बांध कर रख पाएंगे। क्योंकि इन रियासतों की संख्या कितनी थी, 565 थी। अब यदि ये 565 जो रियासतें हैं, यदि ये स्वतंत्र रहना
की इच्छा रख ली और इनको स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई तो हमारे भारत के कितने खंड हो जाएंगे, 565 भागों में हमारा भारत बट जाएगा। और जो हम एक ये रखते थे कि हम एक अखंड भारत का निर्माण करेंगे, मतलब बिना खंड के एक बड़ा टुकड़ा जिसमें कोई खंड विभाजन ना हो, ऐसे भारत का निर्माण करेंगे, तो उस सपने में एक बहुत बड़ी चिंता की लकीरें आ गई कि क्या हम इस अखंड भारत का निर्माण कर पाएंगे, क्योंकि ये जो 565 रियासतें हैं और जिनको ये बोला गया कि वो स्वतंत्र रह सकती हैं, या तो वो पाकिस्तान में मिलना चाहें तो मिल जाएं, या भारत में मिलना चाहें तो मिल जाए, या फिर स्वतंत्र रहना चाहें तो रह सकती हैं, तो क्या हमारा भारत अब 565 भागों में बढ़ जाएगा। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम समस्या सामने आई कि भारत को अब कैसे अखंड भारत में बदला जाए। तो इसके लिए जो हम बोलते हैं ना कि जो सरदार हमारे पटेल थे, तो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई। और उन्होंने क्या किया कि जो 565 रियासतें थी उनको उन्होंने एक करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई सरदार पटेल जी ने, ठीक है, इसीलिए उन्हें लॉ पुरुष भी बोला जाता है। तो उनकी इस महत्वपूर्ण भूमिका की वजह से आज जो हमारा ये भारत है वो अखंड भारत का हम निर्माण कर पाए। लेकिन जो उस और उनकी इस उनने जो प्रयास किया तो उनमें सभी रियासतों ने क्या किया कि हमारे भारत में विलय होने के लिए राजी हो गई, जो 565 जो रियासतें थी। लेकिन कुछ रियासतें थी जो बड़ी रियासतें थी वो भारत में शामिल होने को नहीं तैयार थी, वो स्वतंत्र रहना चाहती थी, जैसे कि आपकी हैदराबाद हो गया, ठीक है, मणिपुर हो गया, और आपका जम्मू एंड कश्मीर हो गया। लेकिन इसमें भी उन्होंने बहुत बड़ा रोल निभाया सरदार पटेल ने। और जो हैदराबाद के जो राजा थे, निजाम थे, तो ये हैदराबाद काफ़ी ज़्यादा समृद्ध रियासत थी, इसीलिए वो स्वतंत्र रहना चाहते थे, वो किसी में शामिल नहीं होना चाहते थे। लेकिन जो सरदार पटेल थे उन्होंने अपनी एक बहुमुखी प्रतिभा का उन्होंने वहाँ प्रदर्शन किया और उन्होंने क्या क्या किया कि हैदराबाद को उन्होंने अपने राज्य देश में शामिल विरासत को शामिल किया। फिर मणिपुर विरासत भी अपने देश में शामिल हो जाती, भारत में शामिल हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह जो विलय पत्र था तो इस और में इन सबको जूनागढ़ रियासत होगी, हैदराबाद होगी, मणिपुर हो गई, इनको शामिल किया गया, ठीक। तो ये हो गया आपका, ये रियासतों को कैसे शामिल किया गया है, तो ये ही किया वहाँ भी। अब देखिए, अब ये रियासतें तो बन गई, अखंड भारत का भी निर्माण हो गया। अब एक सबसे बड़ी चुनौती हो गई कि ठीक है, हमने अखंड भारत का तो निर्माण कर लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन अब राज्यों का पुनर्गठन कैसे किया जाए। पुनर्गठन का मतलब राज्यों को पुनः कैसे गठित किया जाए, कैसे बनाया जाए, तो ये भी एक सबसे बड़ी चुनौती थी। और ये राज्यों का पुनर्गठन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँ, जो भी सीरीज़ आएगी पॉलिटी की उसमें बताऊंगी। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू। और यदि आपके लिए यदि लेक्चर इन्फॉर्मेटिव है और आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप प्लीज़ इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए ताकि सभी लोगों के पास इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। ओके, थैंक यू।